तो फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में जी, राहु एंड सेंट फादर कैन गो टू फॉरेन, है ना, बट उसके लिए बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, आप एक चीज नहीं देख सकते कि सन राहु है ना। सन राहु कई बार, देखो आपको एक और चीज बताता हूं, सन मार्स, सन और मार्स जिसके चार्ट में राहु केतु के प्रभाव में आते हैं, तो उनको ऐसे डिजीज होने की, जेनेटिक डिजीज, ऐसे इंसिडेंट जो आपके दादा और फादर के साथ हो चुके हैं, ऐसे बीमारी जो दादा फादर को हो चुकी है जो जेनेटिक चलती है, वो होने की संभावना रहती है, जेनेटिक क्वालिटी, जेनेटिक प्रॉब्लम कोई, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस इज अ लव मैरिज कॉम्बिनेशन, ऑफ कोर्स है। अब आप इसमें ये देखिए कि बुध इज योर फ्रेंड, है ना, बुध इज योर फ्रेंड, अगर फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में बैठा हो, बुध आपका फ्रेंड है, उसका कनेक्शन शुक्र के साथ बन जाए, शुक्र आपका क्या हो गया, वाइफ हो गया, तो बुध शुक्र यानी आपकी फ्रेंड आपकी वाइफ बन जाएगी, ठीक है ना। बुध शुक्र को देखिए, गुरु बुध शुक्र को देख सकते हैं आप साथ में, लव मैरिज के कॉम्बिनेशंस एक नहीं होता कि फिफ्थ सेवंथ में बैठ गया तो लव मैरिज हो जाएगा, नहीं, उसके और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है ना, तो वो चार्ट में देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में जाएगा तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड स्किल देगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा सेकंड हाउस से रिलेटेड, ठीक है। अगर वो मैलिफिक हो गया तो आपके बच्चे का करियर आपके घर से दूर, आपसे आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि आपका सेकंड हाउस आपके बच्चे का टेंथ हाउस पड़ता है। अगर वो मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है, अगर वो मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है, वहां मैलिफिक्स बैठे हुए हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उस बच्चे को अपना कर्मा परफॉर्म करने में दिक्कत आएगा, जो भी उसका कर्मा है, स्पेशली सेकंड हाउस से रिलेटेड। ठीक है, तो फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ सेकंड हाउस से रिलेटेड बोलना, ऐसे लोग जो एंकरिंग करते हैं। फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में जाएगा अगर, तो क्या होगा, थर्ड हाउस आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, फिफ्थ हाउस आपका एंटरटेनमेंट होता है। अब देखो कि वो प्लेनेट कौन सा है, अगर मार्स हुआ तो आदमी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा भाई मार्स से रिलेटेड एक्टिविटीज करने में, स्पोर्ट्स खेलने में, पीटी खेलने में, जिम जाने में, ठीक है, वैसा इंटरेस्ट रहने वाला है उसका। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर राइटिंग एंड क्रिएटिविटी, टीचिंग, फिफ्थ और थर्ड का कनेक्शन। चाइल्ड बर्थ के बाद लाभ, क्योंकि ये इलेवेंथ हाउस है फिफ्थ हाउस का, ठीक है। अगर डुअल साइन में चला गया तो डुअल इंटरेस्ट देगा, बहुत सारी इंटरेस्ट देगा, बहुत सारी लर्निंग देगा कि ये भी करना है वो भी करना है, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड अगर थर्ड में हो और डुअल साइन में हो, डुअल साइन कौन से होते हैं, 3, 6, 9, 12, तो इस तरीके से हम रिजल्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला गया, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया, अपने से 12वें चला गया, जरा सा भी अफ्लिक्शन आया फिफ्थ हाउस में तो आपके चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड को दिक्कत कर देगा, क्यों, क्योंकि अपने से 12वें गया, भले ही केंद्र में गया हो, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में अच्छे रिजल्ट देगा आपको, लेकिन देखिए कि उसके साथ कंजंक्ट कौन सा प्लैनेट हो गया। एक और चीज आपको बताता हूं आज, कि सिक्स्थ लॉर्ड की दशा, सिक्स्थ लॉर्ड के साथ जो ग्रह बैठता है, सिक्स्थ हाउस को जो प्लैनेट देखता है, ठीक है, जिसके साथ कुछ सिक्स्थ हाउस या सिक्स्थ लॉर्ड का कनेक्शन बन गया, वो दशा आपकी बहुत कार्मिक दशा होती है। यू हैव टू सर्व दैट पर्सन, जैसे फिफ्थ हाउस में बैठा हो, सिक्स्थ का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा हो, ठीक है, तो या तो सिक्स्थ की लॉर्ड की दशा में, या जो उसके साथ कंजंक्ट होके बैठा है उसकी दशा में, कोई ना कोई हो सकता है चाइल्ड बर्थ पैदा हो
हो जाए, तो चाइल्ड बर्थ जो होगा ना वो बीमार रहेगा या उसकी सेवा करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो सिक्स हाउस से कनेक्टेड है, कार्मिक है, दिक्कत करेगा, प्रारब्ध है वो, प्रारब्ध है वो आपका। सिक्स लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठा हो, उस दशा में शादी हो गया, यू हैव टू सर्व योर वाइफ, दिक्कत रहेगा। अब सर्व करने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है, या तो कोर्ट केस हो गया, या उनकी हेल्थ इश्यूज या कुछ और वे में, ठीक है। सो सिक्स लॉर्ड के साथ जो भी प्लान गया उसकी दशा में कोई ना कोई आपकी लाइफ में एंटर जरूर करेगा। आपने देखा कि सिक्स लॉर्ड सेवेंथ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, लेकिन सेवेंथ हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हुए हैं, सेवेंथ हाउस में बहुत अच्छे प्लान बैठे हुए हैं। तो क्या होगा, आदमी सर्व करेगा अपनी वाइफ को, ही विल बी ग्रेटफुल, वो बोलेगा कि यार मैं धन्य हो गया कि आपकी वाइफ, आप मेरे वाइफ बनी है ना। एक सेकेंड, ठीक है ना, तो सर्व करने के तरीके बदल जाते हैं। जैसे शनि धनु राशि में हो तो क्या करता है, उसके तरीके बदल जाएंगे रिजल्ट देने के। किसी को टीचर बना देगा, किसी को गुरु बना देगा, ठीक है, किसी को फाइनेंस बैंकिंग में ले जाएगा, अलग अलग तरीके से अपना कर्म वो करते हैं। उसके लिए हम दूसरी चीजें देखें, अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया कि सिक्स्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड के साथ फिफ्थ हाउस में बैठा हो तो आदमी का जो चाइल्ड बर्थ होगा, ही हैड टू सर्व हिज चाइल्ड। सर्व तो सब करते हैं, आप बोलेंगे सर चाइल्ड बर्थ को तो सभी नहीं, कई बार स्पेशल चाइल्ड होते हैं, कई बार आपका बच्चा बहुत बीमार रहता है, बहुत बहुत टाइम तक आपको बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, ठीक है। कई बार आपकी बीवी बहुत बीमार रहती है, सिक्स लॉर्ड सेवेंथ हाउस में है या सेवेंथ लॉर्ड सिक्स में है, लेकिन शुक्र अच्छा है आपका, ठीक है, शुक्र अच्छा है, अच्छे ग्रहों का प्रभाव है सेवेंथ हाउस में, तो आप सर्व करेंगे अपने ही हस्बैंड को, आप ग्रेटफुल रहेंगे अपने ही हस्बैंड के पॉजिटिव वे में, कि जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं मेरे साथ ये ऐसे हुआ, आप मेरी बहुत वो करते हैं ना, मैं तो आपके चरणों में, आप अपनी पत्नी की नहीं यार ये लकी है, जैसे होता है ना बहुत सारे लोग अपनी पत्नी की बातें सुनते हैं, बहुत जो पत्नी बोलेगी वही करते हैं, और बोलते हैं कि नहीं जब से ये मेरी लाइफ में ऐसा मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है ना, मेरी तरक्की हो गई, वो खुद ही वैसा बन के रहता है उसके सामने हाथ जोड़, ग्रेटफुल है, मतलब वो पॉजिटिव वे में सर्व कर रहा है अपनी वाइफ को पॉजिटिव वे में। लेकिन बहुत सारे लोगों को कोर्ट केसेस हो जाते हैं, बीमार रहते हैं, तो वो उस वे में सर्व कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है किस साइन में गया, किस हाउस में गया, कौन से मैलिफिक्स बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे अनु प्रसाई जी लिखते हैं, माय सिक्स लॉर्ड मार्स इन 11th हाउस विद सन मर्करी एंड वीनस, आई गॉट ड्यूरिंग मार्स अंतरदशा। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एंटर करता ही है, मैंने देखा है सिक्स लॉर्ड की दशा में। अच्छा यार एक एग्जांपल से बताता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, दो चार्ट दिखाता हूँ मैं आज, फिफ्थ और सिक्स हाउस दोनों कवर करूंगा, जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैं वो चीजें बताऊंगा, बाकी आपको पता ही है छोटी सी चीजें, सिक्स हाउस इज द कॉन्फ्लिक्ट है, डिजीज है ना, सर्विस है ना, सर्विस क्यों है, अरे यार हाथ क्यों टेढ़ा है, अपने अपने चार्ट में देखिए कि सिक्स हाउस की दशा में आपकी लाइफ में कौन आया और वो क्या दे करके गया। कई बार आज जैसे ये चार्ट है ना,
ध्यान से देखना, आधा ही बनाऊंगा। वीनस, मर्करी एंड मून, ठीक है। ये चार्ट है, विपेंद्र याजवी, आई गॉट माय सन इन सिक्स लॉर्ड अंतरदशा एंड ही इज हैविंग ऑटिज्म स्पीच इश्यूज, है ना, यू हैव टू सर्व हिम, है ना, वो आपका डेप्ट है, वो आपका प्रारब्ध है सर, है ना, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो जब तक भोगेगे नहीं, उसका एक टाइम पीरियड है, तब तक वो चलता रहेगा ना। तो इस चार्ट को देखना, इस आदमी के चार्ट में इसकी जो वाइफ है ना, या इसकी जो लवर है, ध्यान से देखिएगा, इसकी जो लवर है वही इसकी वाइफ बनी, तो लवर की एंट्री इन्हीं तीन प्लेनेट की अंतरदशा, शादी भी उसी में हुआ और एंट्री भी उसकी उसी पीरियड में हुई थी, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ कनेक्टेड है। तो लवर लिब्रा साइन सिक्स्थ हाउस में देखो, तो रिलेशनशिप बहुत कार्मिक है, डेप्ट है, सेकेंड हाउस में बैठे हुए, लेकिन वही लवर फिर छोड़ के चले गई बिकॉज ही डजंट हैव मनी, उस आदमी के पास पैसा नहीं है, बेचारे का करियर ठीक नहीं है, और इसी वजह से इसकी जो लवर थी जो बाद में पत्नी बनी वो चली गई, क्या पैसे तो देते नहीं हो कमा के। वीनस मर्करी मून, ध्यान से देखो, फिफ्थ और सिक्स्थ का कनेक्शन है, शादी भी इसी पीरियड के दौरान हुआ, शायद मर्करी मून चल रहा था, शादी हो गया, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो वो शादी, देखो लव लव है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब शादी में कन्वर्ट हो रही है चीज, तो हम सेवेंथ हाउस को देखेंगे, सेवेंथ का लॉर्ड डेबिलिटेड है, केतु बैठा हुआ है, तो शादी में प्रॉब्लम आना है ना, कि शादी तो हो गया, तो वो उसकी लाइफ में ना डेप्ट लेने आई थी, अपना ऋण लेने, अब पत्नी पैसे मांगती है, देखो सेकेंड हाउस में चला गया तो पत्नी पैसे मांगती है, पैसा चाहिए, पैसा नहीं है आपके पास, आप पैसा नहीं कमा रहे हो, छोड़ के चलिए। ध्यान से देखना, ठीक है, और इसी पीरियड में इसको एक बेटी पैदा हुई, फिफ्थ लॉर्ड मर्करी मून और वीनस के साथ, तो बेटी पैदा होनी है, फीमेल का कर्मा जुड़ा हुआ है, फीमेल का कर्मा बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, तो सिक्स्थ हाउस क्या होता है, ये आपका पास्ट लाइफ है, ठीक है, नाइन्थ हाउस आपका पास्ट लाइफ होता है, ये आपका पास्ट लाइफ है नाइन्थ हाउस, इसको आप लगन बनाएंगे ना, तो ये आपका चौथा हाउस हो जाएगा, तो फोर्थ हाउस क्या होता है, जो आप सोचते हैं मून, फोर्थ हाउस मन का होता है ना, सो क्या होता है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या चार्ट, ऐसा कैसे हो सकता है, चार्ट तो फुल फुली वो है, देखो क्या है, आपने जो सोचा ये है, और जो फिर कर्म किया वो ये है, एग्जीक्यूट, इस बर्थ में आप क्या सोचते हैं, दैट इज योर फोर्थ हाउस, क्या एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज टेंथ हाउस, पास्ट लाइफ में क्या सोचा और क्या एग्जीक्यूट किया, ये कर्म, सिक्स्थ हाउस, तो सिक्स्थ हाउस जहां भी जाता है, अपने चार्ट में देखो, सिक्स्थ हाउस जहां भी जाता है, इट्स अ वेरी कार्मिक हाउस, वो कार्मिक प्लैनेट, जिस प्लैनेट के साथ बैठा है वो प्लैनेट बहुत कार्मिक है, वहां पे आपका ना तो रेमेडी होता है ना वो भोगना ही पड़ता है, ठीक है, वहां पे आपको सर्व करना, मेलिफिक्स के साथ है तो आपको बहुत बुरे तरीके से पे करना, बहुत बुरे तरीके से, बहुत जैसे एक और एग्जांपल बताऊंगा, अभी ना मैं नवांश का थोड़ा सा आज आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं ये जो चार्ट बताने जा रहा हूँ इसमें नवांश का यूज होगा, ठीक है, नवांश का यूज होगा, ठीक है, नवांश कैसे यूज करते हैं मैं ये भी थोड़ा सा आज कवर कर लूंगा, ठीक है,
ये चार्ट मैंने प्रीवियस बैच में भी डिस्कस किया, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा है ना? नाइन्थ हाउस खाली है, वहां कुछ नहीं है, ठीक है। चार्ट बना ली, नवांश को देखिएगा, ठीक है। नवांश में सिर्फ एक, नवांश में आपने क्या करना है, सिर्फ राशि को देखना है, लगन और वो सब नहीं देखना है नवांश में, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है ना। मैंने आप अभी तक यही सिखाऊंगा कि आपने यार सेकंड हाउस कैसे नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब सेकंड हाउस टॉरस है, टॉरस है, सिंपल सा चार्ट बनेगी, टॉरस आएगा नाइन्थ हाउस में, वहां केतु बैठा, राहु जब यहाँ है तो केतु यहाँ नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, सिंपल है ना। कुछ चीजें कई बार लाइट जरूरी है, लाइट नहीं होगा तो आप मुझे देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये नवांश है, ठीक है, सिंपल एक चीज समझाऊंगा आज आपको, नवांश चार्ट दशा और नवांश का बहुत बड़ा संबंध होता है, ठीक है। दशा और नवांश का बहुत गहरा संबंध होता है। जिस भी लॉर्ड की दशा चल रही है, जिस भी अंतरदशा लॉर्ड और दशा लॉर्ड को नवांश में देखिए, वो किस साइन में बैठे हैं और वो साइन आपका कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। और जरूर ये देखिए कि दशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड नवांश में किसके साथ कंजंक्ट है, और वो जिसके साथ कंजंक्ट है वो किस किस भाव का लॉर्ड है, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द बेसिक्स ऑफ दशा एंड नवामचा, नवामचा एंड संबंध ऑफ द प्लैनेट। आज पांचवा क्लास है, टोटल 12 क्लासेस होनी है, 9 क्लासेस बोला था, 12 क्लासेस में कर रहा हूं, लेकिन इसलिए मुझे जो है बीच बीच में ये चीजें कवर करनी है प्रैक्टिकली सिखा के। नोट इट कि जो भी दशा चल रही है, जो भी अंतरदशा चल रही है, उसका नवांश में पोजीशन देखिए, स्पेशली दशा लॉर्ड का। जैसे सैटर्न का दशा, इस आदमी को सैटर्न का दशा है, सैटर्न कौन है, सिक्स्थ लॉर्ड है, ठीक है। मीन राशि में गया, नवांश में मीन राशि में गया ये आदमी, ठीक है, आवाज आ रहा है ना। तो ये मीन राशि आपके कहां पड़ती है, यहां पर पड़ती है, ठीक है। इसका मतलब सैटर्न की दशा या अंतरदशा में इसका शादी होगा, सेवेंथ हाउस के रिजल्ट देगा वो, अगर शादी हो गया तब भी सेवेंथ हाउस के रिजल्ट देगा वो। तो इसकी सैटर्न की दशा में शादी हो गया। अब आप बोलेंगे सैटर्न सेवेंथ हाउस को देखता है इसलिए शादी हो गया, नहीं, एस्पेक्ट में इतना पावर नहीं होता है कि वो किसी हाउस को इतना हाईली एक्टिव कर दे, नहीं, उसको जरूरत पड़ती है दूसरे प्लैनेट्स का भी। सैटर्न यहां बैठा है टेंथ हाउस में, लेकिन नवांश में मीन राशि में गया, अब ये मत सोचिए कि एट्थ हाउस में गया, नहीं, मीन राशि यहां पड़ती है, तो सैटर्न सेवेंथ के रिजल्ट देगा, यानी सिक्स्थ लॉर्ड की दशा में इसका शादी हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सैटर्न मीन राशि में गया यहां पे, और सैटर्न किसके साथ कंजंक्ट हो गया, ध्यान से समझिए, दशा और नवांश का बेसिक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटर्न किसके साथ बैठा है, सन के साथ, सन कहां है, सिक्स्थ हाउस में, सन कौन सा लॉर्ड है, बारहवें भाव का लॉर्ड है। तो सैटर्न अपनी दशा अंतरदशा में क्या देगा, शादी देगा, प्लस सिक्स्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के रिजल्ट देगा। तो इसको शादी हुई और शादी के बाद फॉरेन चला गया, दोनों चीजें सैटर्न की अंतरदशा में हुई, क्यों हुई, समझ रहे हो। तो सिक्स्थ लॉर्ड की दशा में इसकी शादी हो रही है। अब आपने देखा कि सेवेंथ हाउस बहुत अच्छा है इसके चार्ट में, वीनस एग्जॉल्टेड है, ठीक है। जुपिटर यहां गया है नवांश में, जुपिटर जो है एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है, तो इसका जो मैरिड लाइफ है बहुत अच्छा रहने वाला है। बट इसको अपने प्रारब्ध की वजह से, अपने प्रारब्ध की वजह से इसको पत्नी बहुत अच्छी मिली, ग्रोथ मिला, फॉरेन गया उसके बाद, ठीक है, शादी हो रही है, एक इवेंट हो रहा है, साथ में दो तीन इवेंट हो रहे हैं। तो दिस पर्सन
जब इसने कंसल्टेशन किया तो हमेशा ये बोलता है सर मेरी वाइफ बड़ी लकी है. तो मैं तो कहता ही हूँ कि जुपिटर वीनस की युति जब होती है, जब भी कोई फीमेल एंटर करती है लाइफ में तो वो लकी होती है. लेकिन दूसरे फैक्टर भी देखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा राहु हो जाता, डिस्पोजिटर सेम डिस्पोजिटर हो जाता, धनु राशि में चंद्रमा राहु बैठ जाता, इसके रिजल्ट चेंज हो जाते टोटली. हैवी लॉस, हैवी लॉस हो जाता है इसको, शादी में हैवी लॉस हो जाता है क्योंकि मून राहु यहाँ बैठा है, सेम डिस्पोजिटर हो जाता. तो सेम डिस्पोजिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ही सेड कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई वाइफ. उनके आने के बाद मैं जो है, मेरे साथ फाइनेंशियल इंक्रीजेस हुए, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर, है ना. तो ही इज सर्विंग हिज वाइफ क्योंकि उसके प्रारब्ध की वजह से मिली है. द सिक्स्थ लॉर्ड की दशा अंतरदशा में कोई ना कोई एंटर करेगा आपकी लाइफ में. मान लीजिए वाइफ की तो अपना सेवेंथ हाउस देखो, चाइल्ड किया तो फिफ्थ हाउस देखो. अगर वो हाउसेज अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है. आप ग्रेटफुल रहने वाले हैं, ठीक है. आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से सर्व करेंगे, मतलब आप खुशी खुशी जो है यू फील की लाइक नहीं यार मेरे घर में लक्ष्मी आई है, ठीक है. लेकिन अगर वो हाउसेस खराब हो गए, मान लीजिए सिक्स्थ लॉर्ड सेवेंथ के साथ इस तरीके से, जैसे ये है यहाँ पे शादी दिया, क्यों दिया आप समझना इसको बहुत केयरफुली समझ गया. नवांशंड संबंध ऑफ द प्लैनेट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसी से पता चलता है एक्चुअल इवेंट क्या होने वाला. इसलिए बोलते हैं नवांश इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए अब इसकी लाइफ में होता और इसकी लाइफ में ये गड़बड़ आ जाता, सैटर्न तो मीन राशि में बैठा है, वो तो देगा सेवेंथ हाउस के रिजल्ट. लेकिन अगर ये मीन राशि में प्लैनेट गड़बड़ा जाते, राहु जैसा प्लैनेट होता, मार्स राहु होता, तो क्या होता, बहुत कार्मिक हो जाता, बहुत लड़ाई झगड़े होते, या पत्नी को हेल्थ इश्यूज रहते, कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई चोट लग जाती, ठीक है, या कॉन्फ्लिक्ट हो जाते. वाइफ जो है एलिमनी मांगती, पैसे मांगती, आपको एक बैड सेंस में सर्व करना पड़ता. बैड सेंस में सर्व करना है. हम सब लोग अपना ऋण चुका रहे हैं, हम सब लोग इस बर्थ में अपना पेंडिंग कर्मा चुका रहे हैं, याद रखिएगा. कोई आदमी डॉक्टर है तो ही इज जस्ट पेइंग हिज डेब्ट, उसका ऋण चुका रहा है वो, उसके ऊपर वो ऋण था. लेकिन तरीके अलग अलग है. आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप पेशेंट बन के जाते हैं, वो हॉस्पिटल में बैठा है, वो डॉक्टर बन के बैठा हुआ, दोनों हॉस्पिटल ही जा रहे हैं. लेकिन डिफरेंस तरीका है, ऋण चुकाने का तरीका है. इसीलिए सारे ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऋण तो चुकाएगा लेकिन कैसे चुकाएगा. समझ में आ रहे है मेरी बात. ये एक जरा सा हिंट मैंने आपको, ठीक है. सिक्स हाउस में मैलिफिक्स बैठे हुए हैं, पीड़ित अवस्था में है, आपको दिक्कत हो रहा है, समझिए कि यू आर वेरी अनग्रेटफुल टू दैट पर्सन और दैट थिंग इन योर लाइफ, ठीक है. अब आप एक चीज देखो, इस चार्ट में क्या था, वो फॉरेन चला गया, उसका लॉर्ड वो फॉरेन क्यों गया. ट्वेल्थ लॉर्ड उसका सिक्स हाउस में बैठा हुआ है, उसका वहां कर्मा है, उसका ऋण है कुछ, इसलिए फॉरेन चला गया. सैटर्न की दशा में, सैटर्न की अंतरदशा में शादी भी हुआ, फॉरेन भी चला गया क्योंकि सैटर्न और सन कंजंक्ट थे आपस में. सन सिक्स्थ में बैठा है तो कोई ऋण था जो एक्टिवेट हो गया उस पीरियड में, ठीक है ना. तो ऐसे देखते हैं चीजों को, ऐसे देखना चाहिए, ठीक है. आपका सिक्स हाउस ऑडिटिंग इंस्पेक्शन होता है, ऑडिटिंग इंस्पेक्शन डिटेलिंग, कॉन्फ्लिक्ट डिजीज, ये सिक्स हाउस से देखे जाते हैं. कोई ऑडिटर है, कोई इंस्पेक्टर है, सिक्स हाउस से देखा जाता है, सिक्स एंड एट हाउस, वर्गो एंड स्कॉर्पियो, ठीक है.
कोई इंस्पेक्टर है उसका चार्ट देखिएगा, कोई ऑडिटर है उसका चार्ट देखिएगा, आपको पता चलेगा कि वर्गो और स्कॉर्पियो का रोल, सिक्स और एट्थ का रोल कितना ज्यादा है उसमें, स्पेशली सिक्स हाउस का चार्ट देखिएगा, कोई ऑडिटर है उसका चार्ट देखिएगा, आपको पता चलेगा कि वर्गो और स्कॉर्पियो का रोल, सिक्स और एट्थ का रोल कितना ज्यादा है उसमें, स्पेशली सिक्स हाउस का, ठीक है ना। अच्छा देखो, लियो साइन ना, लियो साइन और सन और फिफ्थ हाउस आपका फेम होता है, ठीक है। सो लियो साइन और सूर्य, अच्छा एक और चीज है, देखो सूर्य क्या है, केंद्र में है और बहुत सारे ग्रहों को, सारे ग्रहों को मजबूर करता है अपने आसपास घूमने को, सन कहीं नहीं जाता, सन अट्रैक्ट करता है। तो सन जहां पर भी जाता है, सन मान लीजिए किसी का एरीज में है, टेंथ हाउस में, उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, पावरफुल लोगों के बीच में बैठना है, उसको पावर हंग्री बना देगा। राहु का इन्फ्लुएंस है तो सब कुछ मेरा ही है, मैं ही हूं, मैंने किया है जो भी किया है, ठीक है, मैं ही सब कुछ हूं। आदमी अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है, सन जहां पर भी आप देखिए अपने चार्ट, सन सेकंड हाउस में, तो उसकी वाणी में वो प्रभुत्व थोड़ा सा, वो थोड़ा सा दिखता है बोलने में, वो थोड़ा राजस, ठीक है, बोलते टाइम थोड़ा अधिकार पूर्ण वाणी रखता है वो। सन राहु आपने इसीलिए लोगों के लिंक्स देता है, पॉलिटिकल लोगों के बीच में पावर हंग्री बना